हेलो वेलकम दोस्तों, ये इस बीच का मेन एंट्रेंस है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवा में और गोवा के इस बीच में लगभग 99% टूरिस्ट आते हैं। मतलब गोवा आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनमें से 99% टूरिस्ट गोवा के इस बीच को ज़रूर विजिट करते हैं। और क्यों विजिट करते हैं, क्या खास बात है और यहाँ पर ऐसा आपको क्या मिल जाएगा और मज़े करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो आज ये सारी बातों को मैं अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सेट्स हैं। इन सेट्स और इन बेड में बैठने का कोई चार्ज नहीं है अगर आप कुछ खाते या पीते हो। अगर बिना कुछ खाने या पीने के बैठना है तब आपको 100 रुपीज फॉर 1 आवर देना पड़ेगा। तो नॉर्मल बात है, अगर कोई बैठेगा तो कुछ खाएगा तो पिएगा 100%, क्योंकि दोपहर या शाम के समय आएगा, कुछ स्नैक्स तो आप ज़रूर लोगे। तो मतलब ये टोटली फ्री है बैठने के लिए, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपको केवल फोटोग्राफी करना है तब कोई लोग पैसे मांगेंगे, अगर 5-10 मिनट के लिए ऐसे फ़ोटो क्लिक करोगे तो कोई कुछ नहीं मांगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये गोवा का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है जो कि गोवा की पंजिम सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है और इस बीच का नाम है कलंगूट बीच। और यहाँ पर गोवा के 99% टूरिस्ट आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि यह मेन सिटी से बहुत ही पास है और यहाँ पर सारी तरह की चीज़ें उपलब्ध है। जैसा कि अगर आपको कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करना है तो आप करवा सकते हैं, अगर आपको बीच मसाज करवाना है बीच में मसाज करवाना है, या फिर आपको और नाइट क्लब में जाना है या पब में जाना है या बार में जाना है, तो सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। इसीलिए यहां पर 99% टूरिस्ट ज़रूर आते हैं अगर कोई गोवा आता है तो। 1% टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि 1% टूरिस्ट वो हैं जो कि गोवा दूसरी बार या तीसरी बार चौथी बार विजिट करते हैं, उन्हें गोवा की और सीक्रेट जगहों के बारे में पता है, इसलिए वो 1% लोग नहीं आते हैं। अगर आपको गोवा की सीक्रेट जगहों को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको अपने अगले वीडियो में उन जगहों के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स सारे, बोट राइड, जेट स्की, बनाना राइड एंड सब कुछ, डॉल्फिन राइड भी अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत चीप एंड बेस्ट दाम में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मानसून का सीजन चल रहा है और यहाँ पर बेफ से बिल्कुल सी शोर के ऊपर तक आ गई हैं, तो यह मानसून सीजन में, मानसून सीजन होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, बॉयज आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस गोवा की मस्त जगह पे। तो गोवा के इस बीच में मज़े करने के लिए आपको सारे आइटम उपलब्ध हैं, जो भी आपको चीज़ चाहिए और सस्ते एंड अच्छे अवेलेबल हैं, मसाज के साथ साथ सब कुछ अवेलेबल है। अगर बात की जाए नाइट क्लब की तो टिटोज नाइट क्लब यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेगा और वहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी गोवा ट्रिप को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको टिटोज नाइट क्लब के बारे में जानना है, एंट्री फीस जानना है, तो मेरे ऑलरेडी अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मानसून होने के बावजूद यहाँ पर डेली नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और अपनी गोवा ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर है कलंगूट बीच का, तो यहाँ पर आप स्विमिंग के साथ साथ सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गोवा आ रहे हो तो गोवा के इस कलंगूट बीच को एक बार ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ पे साल के 12 महीने भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर हमेशा ऐसा ही माहौल रहेगा, मतलब क्राउड वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सीक्रेट जगहों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि गोवा में है। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।